अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी कुछ फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं और आप एक फ़ोटो एडिट करके पैसे कमाना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अपने कंप्लीट वॉच करना। अगर आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको हर तरह की फ़ोटो एडिटिंग आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए अपने करना कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप स्टार्ट करें। साथ ही दोस्तों अपने क्या करना, अपने बिजनेस पे को एडिट करना उसको अपने सेंड कर देना जी। सबसे पहले जी एक एप्लीकेशन है जी स्नैपसीड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जी। हम सबसे पहले जी स्नैपसीड को यहाँ से देखें, ओपन करेंगे। स्नैपसीड में सबसे पहले आने के बाद अपने क्या करना है जी, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जी राइट साइड पर पेंसिल वाला आइकन, यहाँ देखें पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलकर सेलेक्टिव वाला, सेलेक्टिव वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर देने के बाद अपने बैकग्राउंड पर इसे रख देना है सेलेक्ट, और इसकी सैचुरेशन को जीरो कर। जिस तरह आप सैचुरेशन को जीरो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमारे पास इफेक्ट पैदा होगा। इस तरह अपने सारे बैकग्राउंड पर जहाँ जहाँ रख कर इसकी सैचुरेशन को ज़ीरो कर देना चाहिए, ताकि इसका बैकग्राउंड इसके कपड़ों कलर से मैच कर जाए। यदि ये सारे इसकी सैचुरेशन को यहाँ से अपने ज़ीरो कर दें तो आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह इफेक्ट पैदा होता जा रहा है। इस तरह देखें आप राइट साइड लेफ्ट साइड पर सारा अपने इसके बैकग्राउंड पर रख कर इसकी सैचुरेशन को ज़ीरो कर दें। इसके बाद अपने इसके फेस पर रखना है, फेस पर इसकी ब्राइटनेस को इनक्रीज़ करना है ताकि हमारे पास थोड़ा सा ग्लो पैदा हो, और गर्दन पर जहाँ जहाँ भी आपको थोड़ी ब्लैकनेस पैदा होती है वहाँ अपने इस ऑप्शन रखकर इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देना है। ऐसा कर देने के बाद जी आपने बाद में क्या करना है जी, यहाँ से सब ओके कर देने के बाद यहाँ से अपने टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद दोबारा अपने इसको अपने शेयर कर देना जी। एक और एप्लीकेशन है ऑटो डिस्क, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्केच बुक ऑटो डिस्क। तो गाइस यहाँ आने के बाद जी सबसे पहले जी अपने क्या करना है जी, इसको सीधा करना है। यहाँ सबसे पहले हमने फेस को स्मूथ करना, फेस को स्मूथ करने के लिए अपने क्या करना होगा जी, अपने को ब्रश वाला आइकन पर जाएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ से जी हमें कौन सा ब्रश चूज़ करना है, ये वाला ब्रश चूज़ करें। सेटिंग पर जाना है, सेटिंग को इस तरह एडजस्ट करना है जिस तरह एडजस्ट हुई है। इस तरह एडजस्ट कर देने के बाद जी अपने सारा इसके फेस पर अप्लाई कर दें। जिस तरह भी आप इसके फेस पर अप्लाई कर लेंगे तो गाइस काफ़ी स्मूथनेस हमारे पास पैदा होगी और काफ़ी हमारा फेस यानी स्मूथ जाए। तो सारा अपने इसके फेस पर अप्लाई कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फोटो एडिट करने में कितनी मेहनत लगती है। दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी कुछ फायदा हो। तो गाइस सर अपने सारे से अप्लाई कर देना, अप्लाई कर देने के बाद ये अपने आप अपने क्या करना है, जब लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जाने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने में अपने लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा जी नॉर्मल वाला, वीडियो फोटो ग्लो बनाने के लिए यहाँ से आपने क्या करना है, सॉफ्ट लाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, सॉफ्ट लाइट वाला ऐसे सेलेक्ट कर देने वाले से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने दोबारा भी चाहिए क्या करना है जी, अपने कलर ब्रश वाला आइकन पर जाना है। ब्रश वाला आइकन पर जाने के बाद जी अपने लाइब्रेरी पर जाना है, यहाँ से जी आपने कौन सा ब्रश चूज़ करना है, अपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है जी ऊपर नीचे। यहाँ से आपको एक ब्रश नज़र आएंगे, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहे हैं जी। यहाँ से आपको एक अपने इन ब्रश में से वन के नीचे वाला जो आपको ब्रश नज़र आ रहा है जी, इसको आप सेलेक्ट करने के हमने ब्राइटनेस बढ़ाने पर ग्लो बढ़ाना है फेस का, इसके लिए हमें इसके एडजस्ट किया। अपने सेटिंग पर जाना है और इसकी सेटिंग को इस तरह एडजस्ट कर लेना है जिस तरह के मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद से ओके कर देना है, यहाँ से ओके कर देने बाद इसके अपने क्या करना चाहिए, आपने दोबारा अपने कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से अपने फर्स्ट वाला वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है जी, इस पर ओके कलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस कलर पर, इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके कर दे हमारे सारा इसके फेस पर अप्लाई कर देंगे तो गाइस जिस तरह भी आप इसके फेस पर अप्लाई करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास कितना ग्लोइंग सा इफेक्ट पैदा होता जाए और काफ़ी अच्छा इफेक्ट पैदा होता जाए। इस तरह अपने सारा अप्लाई कर देना है, कर देने के बाद जो अपने से बाद में सारा अप्लाई कर देने के बाद अपने अपने क्या करना है जी, आपको ऑप्शन नज़र आएगा लेयर व लेयर पर जाने के बाद लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी जी एच एस एल एडजस्टमेंट का, यह देखिए जी यहाँ अपने क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद जी आप अपने क्या करना है जी, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जी आप इसके फेस कलर आप इसके बैकग्राउंड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यह देखें हो ब्राइटनेस वगैरह को सैचुरेशन बढ़ाकर आप इस तरह कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगा आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसके फेस कलर इसके बैकग्राउंड के मुताबिक ही एडजस्ट कर देता हूँ कि हमारे पास अच्छा सा इफेक्ट पैदा हो। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना इफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह सारा एडजस्टमेंट कर देने के बाद आपको ऑप्शन डन का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर से आप इसका डन कर देना। डन कर देने के बाद इसे ओके कर लेना, देख सकते हैं हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारी फोटो एडिटिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।